Good morning, students. Now, how are you? All are fine. Yes, very good. और कैसी रही आप सभी लोगों की राखी, रक्षाबंधन का त्यौहार? आई होप सो सब लोगों ने इंजॉय किया होगा, है ना? तो अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी. ओके, और आज हिंदी में हम क्या देखेंगे? कविता सुनेंगे. क्या है कविता? मेरी बगिया. इसके पहले हमने क्या किया था? हमने हमारा एक चैप्टर, एक पार्ट पूरा किया था. कौन सा, क्या नाम था? मोटू राम ने खाए लड्डू, है ना? तो ये क्या हुई थी, हमारी स्टोरी थी जो कि हमने कंप्लीट कर ली थी. उसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको सारे एक्सरसाइज, सारे जो क्या है प्रश्नों के उत्तर, सब कुछ आपको करवा दिया था. ओके, और कुछ आपको होमवर्क में भी दिया था करने के लिए. साथ ही साथ आप लोगों से कहा भी था कि आप उसे क्या करें, आपकी कॉपी में नोट डाउन करके मुझे सेंड करें. ओके, अब क्या है आगे, हम क्या पढ़ेंगे? कविता है मेरी बगिया. बगिया का क्या मतलब होता है? हाँ, व्हाट इज मीनिंग बाय बगिया? बाग, बगीचा, है ना, जो हम हमारे घर में लगाते हैं. पेड़ पौधे क्या होता है? गमले लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, जिसमें आपने देखा है बाग बगीचा कैसा होता है, हरा भरा. हाँ, इसमें कई प्रकार के हम पेड़ लगाते हैं, जिसमें कई प्रकार के फूल आते हैं. अगर आपने आपके घर में बाग बगीचा देखा होगा तो सारे बच्चों को इसका अर्थ पता होगा कि क्या होता है, पेड़ कैसे लगाए जाते हैं और फूल कैसे आते हैं. और इसी के आधारित हमारी क्या है, आज की कविता है. हम उसे क्या करेंगे, रीड करेंगे, पढ़ेंगे और आप उसे दोहराओगे. ठीक है, आओ गाय, घर की प्यारी बगिया में मैंने पौधा एक लगाया. क्या है? घर की प्यारी बगिया में मैंने पौधा एक लगाया, छोटे छोटे हाथों से जल देकर उसको हरा बनाया. क्या है? छोटे छोटे हाथों से जल देकर उसको हरा भरा बनाया. पत्ते लाल हरे से फूटे, क्या हुआ? देखो चित्र में दिखा रहा है, छोटी सी जगह में क्या किया, पहले छोटे छोटे हाथों से पानी डाला, है ना. पानी डालने के बाद क्या किया, उसमें कुछ बीज डाले होंगे. ठीक है, तो पानी डालने के कुछ दिन बाद क्या देखा कि उसे पत्ते लाल हरे से फूटे, छोटा सा पौधा ऊपर आया, जिसमें क्या थे, पत्ते छोटे छोटे हरे से फूटे, कलियां उस पर खिलाई. और कुछ दिन बाद जब रोज हम पानी डालेंगे पौधों में, तो वो पौधा क्या होगा, जमीन से ऊपर आएगा, बड़ा होगा और उसमें क्या आएंगे, कलियां खिलेगी. फूल फूल से खुशबू निकली, सारी बगिया महकाई. और जब हमने उसमें पानी डाला तो बहुत सारी पेड़ पौधों में कलियां आई, और कलियां आने के साथ उन कलियों के बाद क्या आए, उसमें से फूल निकले, और उस फूल की खुशबू लेकर सारी बगिया क्या हुई, महकाई. छिड़के बीज यहाँ वहाँ, फिर क्या हुआ था, उसी बगिया को बड़ा करने के लिए क्या किया हमने, छिड़के बीज यहाँ वहाँ पर, मेहनत मेरी रंग लाई. जब मैंने अपने हाथों से छिड़के थे, क्या बीज डाले थे, साथ में पानी भी डाला था. क्या होता है, किसी भी पौधे को बड़ा करने के लिए, छोटे से बड़ा करने के लिए, उसमें सबसे मुख्यतः क्या किया जाना चाहिए, पानी डालना चाहिए. किसी भी पौधे को जब तक आप अच्छे से पानी, खाद, सब कुछ, मिट्टी नहीं डालोगे, कोई पेड़ अच्छे से बड़ा नहीं होगा, साथ साथ वह हरा भरा नहीं होगा. तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, पेड़ पौधों में पानी डालना. तो छोटी सी लड़की ने क्या बताया है कि मैंने अपने नन्हे हाथों से क्या किया था, पानी डाला था, उस जगह पर बीज डाले थे. तो बीज डालने के साथ में क्या हुआ, छोटे से पौधे का जन्म हुआ, छोटा सा पौधा आया, धरती से, जमीन से निकला. और जब उसमें पानी मैंने डालना शुरू किया तो वह धीरे धीरे क्या हुआ, एक पौधा बनके तैयार हुआ, जिसमें अनगिनत प्रकार के क्या ही कलियां आई और उसमें फूल आए.
उसी से क्या हुए, उसकी मेहनत रंग लाई। बरखा रानी आते ही बगिया मेरी मुस्काई। क्या है इसका मतलब? बरखा रानी बारिश, देखा होगा आपने जब अच्छी बारिश आती है तो क्या होते हैं, बाग बगीचे हरे हरे हो जाते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, जिसमें पुराने पत्ते पतझड़ में झड़कर नए पत्ते आते हैं और नए पौधे उगाते हैं, और बहुत सारे पेड़ पौधों में फूल कई प्रकार के उगाते हैं। ऐसे ये हमारी कहानी थी, नहीं ये हमारी कविता थी, किसकी, मेरी बगिया की, है ना। तो इसी प्रकार बगिया में हमें कितने प्रकार के, काफ़ी सारे प्रकार के पेड़ पौधे लगा सकते हैं, चाहे वो क्या हो, फूल हो, शोके हो, है ना, काफ़ी सारे उसमें आते हैं पत्ते। और क्या क्या होता है बगीचों में, हाँ आपने देखा होगा बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे नज़र आते हैं। तो उसी प्रकार इस लड़की ने क्या किया, अपनी बगिया को तैयार किया, और ये हमारी कविता में उसने हमें क्या बताया, अपनी खुशी बताई कि उसने अपनी कविता में पेड़ पौधे के बारे में हमको जानकारी दी, है ना। तो आगे क्या है, शब्द सागर है। बगिया मतलब छोटा सा बगीचा जो हम अपने घर के आंगन में उसे निर्माण करते हैं, बनाते हैं। जल पानी जो हम पेड़ पौधों में डालते हैं, फूटना निकलना, जब हमने ज़मीन में पानी डाला था, अंकुर डले थे, तो उस बीज में से क्या निकले थे, अंकुर निकले थे, अंकुर का फूटना, महकाना, खुशबू फैलाना, क्या होता है, सुंदर सुंदर फूलों के अलग अलग खुशबू होती है, गुलाब की अलग खुशबू होती है, हाँ तो मोगरे की अलग होती है, जासवंत की अलग, मतलब जितने प्रकार के पौधे होंगे उतने प्रकार के फूल होंगे, उन फूलों की खुशबू भी अलग अलग आएंगी। छिड़के मतलब बिखरे हुए, मतलब क्या किया लड़की ने, अपने नन्हे हाथों से जमीन पे क्या बिखेर दिए उसने, बीज बिखेर दिए। बरखा क्या है, बरखा रानी वर्षा, है ना। तो ये हमारी कविता थी जिसके बारे में मैंने आपको क्या बताया, पढ़कर सुनाया है। आज आप घर पर क्या करोगे, हाँ इसी कविता को लिखोगे भी और क्या करोगे, याद भी करोगे, आप मुझे लिखकर सेंड करोगे अच्छे अक्षरों में, है ना। तो आज तो हम सिर्फ कविता देखेंगे, कल आने वाले कल के दिन हम हमारे इसके आगे की क्या देखेंगे, पंक्तियों को और कविता को पढ़कर पूरी कीजिए, प्रश्न उत्तर ये हम कल इसे आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ये कविता आपको घर जाकर घर पर फिर से इसको रीड करना है और लिखकर मुझे सेंड करना है। ओके, हैव अ नाइस डे। जितना मैं आपसे कहती हूँ आप मुझे सब कुछ करके दिखाते हो, उन सभी बच्चों के लिए वेरी गुड, है ना। हैप्पी नाइस डे।